नमस्कार, आर के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने एक मैं बेबी बैग लेकर आई हूँ, जो कि आप बच्चों को आसानी से इसमें डाल के कहीं ले जा आ भी सकते हो और इसको सुला भी सकते हो। ये छोटे बच्चे के लिए है, बिल्कुल न्यू बोर्न बेबी के लिए है। ये मैंने सिंपल बनाया है। ये देखो, मैंने 72 फंदे डाल के 1 2 3 6 सिलाइयाँ मैंने सीधी सीधी डाल के, बाकी मैंने सीधा उल्टा डाला और शेडो में मैंने 6 6 फंदे मैंने बॉर्डर बनाया है, ये वाला दोनों तरफ। और आगे पीछे वाला हिस्सा मैंने एक कलर का बनाया है। आप चाहो तो एक कलर का ही पूरा बना सकते हो, पर मैंने दो कलर लगाए हैं। दो कलरों में भी मैंने डिज़ाइन थोड़ा डाला है, जो कि मल्टी कलर में, ये देखो मैंने डाला जी। मैंने बिल्कुल सिंपल ऐसे देखो, जहाँ बनाकर मैंने यहाँ से मैंने दूसरा धागा लगा लिया और इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा डिजाइन डाल दिया जी। देखो दोनों साइडों में पट्टी बनाई है, इधर भी और इधर भी, और जहाँ हमने बटन होल भी बनाने हैं। ये देखो कैसे बनाया, आपको मैं दिखाती हूँ। अब हमने जहाँ बटन होल बनाना है, 1 2 और 3 धागा आगे, 2 का 1। अब हमने पहले 10 फंदे वाइट बुनेंगे, सात 9 और 10। फिर हमने देखो ये जहाँ हमने कलर लगाना हो दूसरा, इसके लिए मैंने ये देखो ये 10 फंदे बुनने के बाद हमने धागा लगाना है। ये मैंने ऑलरेडी पहले लगा कर रखा हुआ 1 2 3 4 5 और 6। छः ये कलर के डाल के फिर 6 हमने वाइट फिर डालने, 6 6 हमने फंदे दूसरे दूसरे कलर के डालने, 6 वाइट और 6 वो। अब हमने दूसरा कलर लगा लेना। मैंने ऑलरेडी छोटे छोटे पीस भी होंगे ना आपके पास इतने इतने, वो भी काम आ जाएंगे। देखो छोटे छोटे पीस भी, क्योंकि ये हमने छोटे छोटे पीस ही लगाने हैं, बाकी हमने धागा काट देना। जो कई बार हमारे पास वेस्ट पड़े होते हैं, किसी काम नहीं आते, इसलिए वो हम इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं। ये 6 फंदे हमने इस कलर के डालने के बाद 6 फिर हमने वाइट डालने, 2 3 4 5 और 6। 6 हमने फिर वाइट डाल दिए और 6 हमने फिर ये और दूसरे कलर के डालने। सिक्स हमने फिर
ऑरेंज कलर के डाल लिए, कोई भी आप कलर लगा सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो कलर आप लगा सकते हो। 2 4 6 हो गए, 6 आपने फिर वाइट डालने। एक दो तीन चार पांच और ये 6। अब हमने दूसरा कलर और लगा लेना, 1 2 3 4 5 और 6। फिर हमने 6 वाइट, वाइट हमारे इधर ज़्यादा आ जाएंगे, 3 4 5 6 7। इधर हमने 10 फंदे रखे थे ना, 1 2 3 4 5, इधर भी हमारे 10 ही आ जाएंगे। अब हमने ये वाला कलर लगाना है, एक दो और धागा आगे। फिर हमने जहाँ भी बटन होल बनाना, हमने दोनों तरफ बटन लगाने हैं। अब उल्टी सिलाई, अब उल्टी सिलाई, बटन पट्टी वाले फंदे हमारे सीधे जाएंगे। ये हमारे फंदे उल्टे आएंगे, अब ये वाले फंदे हमारे सीधे आएंगे। धागा पीछे, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, 6 फंदे हमारे सीधे। फिर धागा आगे, ये वाले फंदे हमारे उल्टे। ये 6 फंदे हमारे उल्टे आ जाएंगे। फिर धागा ये वाला, इसको इसके ऊपर कर देना, क्योंकि ये हमारा फिर जाली ना पड़े। इसको पीछे, ये फंदे हमारे सीधे। फिर धागा आगे, इसे ऐसे रख करके इसको सीधे उल्टे। इस तरह हमारी सारी रो ख़त्म करनी है हमने। छः फंदे हमारे सीधे आ जाएंगे, 6 फंदे हमारे उल्टे।
इसको धागा कैसे करके पीछे कर देना। ये हमारे फंदे सीधे, छह फंदे सीधे, ये उल्टे। ये वाले फंदे हमारे सीधे आ जाएंगे। धागा इसको ऐसे कर दिया और इसको पीछे ऐसे। इस तरह आपने 8 सिलाइयाँ सीधी उल्टी की चढ़ा लो, फिर उसके आगे आपका डिज़ाइन यही वापस एक रिपीट होगा। आगे हमने 10 फंदे छोड़े थे ना जहाँ से, फिर हमने 4 फंदे छोड़ने हैं। 4 फंदे छोड़ के फिर ये डिज़ाइन पड़ जाएगा। एक बार ये देखो, एक बार 1, 2, 3, 4 आता है, एक बार 5 आएगा, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। पीछे से काटने से पहले इसको धागे को एक बार पूरा फंदे तक रिपीट कर देना, क्योंकि फिर निकले ना, फिर आप साथ साथ जहां से काटते जाओ। आठ सिलाइयां आप बना लो, फिर आगे आपको फिर मैं दूसरा भी बता दूंगी कैसे करना है। इसको 7 छोटे छोटे फंदे मैंने धागे लगाए हैं क्योंकि उलझे ना। आप 2 कलर का ही बना सकते हो ये वाला डिजाइन, मल्टी कलर का ही बना सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो। ऐसा पूरा कंप्लीट कर लो 8 सिलाइयां, फिर आगे बताती हूँ। ये देखो, ये मैंने 8 सिलाइयां चढ़ा ली है। अब क्या करना, आप पहले ऐसे पट्टी के 6 फंदे सीधे, चार फंदे सीधे आ जाएंगे वाइट, और फिर हमने धागे लगाने हैं। ये मैंने पहले ऑलरेडी उसके साथ बांध दिए, ये देखो। एक, दो, 3, 4, 5 और 6, 6 आएंगे फिर सीधे, 2, 3, 4, 5 और 6, फिर हमने दूसरा कलर लगाना। एक, दो, 3, ये धागे को इसके साथ साथ ऐसे निकालने से ना पीछे वो पूरा लंबा जाएगा, पीछे ना रहे बनाई हो जाएगी इसकी भी।
दो चार छः हो गए। फिर वाइट छः, फिर दूसरा कलर लगा लेना, फिर इस फंदे के छह फंदे डाल लेने इस धागे से। पहले हमारे ये चार आए थे, एक दो तीन चार, अब हमारे पांच आएंगे, एक दो तीन चार पांच आ जाएंगे। इसी तरह सिलाई पूरी कंप्लीट कर लेनी है आपने। जो बटन होल बनाने हैं ना, वो यहां से शुरू करने हैं, इधर से पीछे वाले से बटन होल नहीं करने, क्योंकि पीछे वाले हमने बटन लगाने हैं दोनों तरफ, इसलिए यहां से बटन होल करने हैं दोनों दोनों तरफ। एक दो तीन चार पांच छः, दो तीन चार पांच और छः। छः वाइट आ जाएंगे, फिर एक दो तीन चार पांच और छः। अब हमारे दूसरा कलर फिर लगा लेना, एक दो तीन छह फंदे आ गए। फिर हमारे तीन फंदे यहाँ आ गए। अब ये वाला धागा हमने पट्टी का लगाना, ऐसे उल्टी सिलाई आपको जैसे बताई थी मैंने वैसे बना लेनी है। फिर आपने आठ सिलाइयाँ डाल के फिर अगला डिज़ाइन आपने फिर बनाना। एक बारी चार आएंगे, एक बारी पांच आएंगे। धागा इधर, धागा इधर करके इस धागे को पीछे ऐसे करना। ये छह फंदे हमारे सीधे आएंगे। धागा वापस और वाइट,
छह फंदे हमारे उल्टे आएंगे। फिर धागा इधर करके ये धागा पीछे ऐसे लिया, ऐसे आपने पूरी रो कंप्लीट कर लो। और फिर आठ सिलाइयाँ सिंपल वाइट की चढ़ा के उसके बाद फिर ये डिज़ाइन आप डाल सकते हो। धागा इधर, छह फंदे सीधे, छह फंदे उल्टे, जो वाइट वाले हैं वो उल्टे आएंगे और जो हमने कलर लगाए हैं वो हमारे सीधे आएंगे। बस ये ध्यान रखना, ये धागा ऐसे करके फिर वापस पीछे करना। ये देखो ये बन के तैयार हो गया। ऊपर मैंने एक दो तीन चार पाँच दस सिलाइयाँ मैंने सीधी सीधी फिर बना ली। ये देखो नज़दीक से दिखाती हूँ, ये वाली बॉर्डर की तरह। और इधर इधर बटन होल नहीं करने, इधर बटन होल निकाले, इधर हमने बटन लगाने हैं। ये बन के देखो तैयार हो गया। अब इसको हम बंद कर देंगे। दो फंदे बुन के वापस ऐसे पूरा हम बंद कर देंगे। ऐसे पूरा बंद करके ये आपको मैं दिखा दूँ कितना ही लंबा मैंने बनाया है। मैंने 34 इंच लंबा बनाया है। चौंतीस इंच मैंने लंबा बनाया है, ये देखो। अब हम इसे यहाँ से हम ऐसे इसको सिलाई कर देंगे। जहाँ से सिलाई हो जाएगी ऐसे पूरी सिलाई कर लेंगे हम। आपको पूरा सिलाई करके
पूरा बनाकर आपको मैं दिखाती हूँ। फिर ये देखो पूरा बन के तैयार हो गया। ये मैंने कैप की सिलाई भी कर दी, ये मैंने पोंपोन लगा दिया। अब हमने यहाँ बटन लगाने दोनों तरफ। बटन हमने यहाँ लगाने हैं, ये देखो। यहाँ बटन लगाने हैं। ये मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 छोड़ के मैंने बटन होल बनाया है। आप जितना छोटा बड़ा कर सकते हो। ऐसे हमने यहाँ एक और लगाऊंगी मैं। दोनों तरफ ऐसे ही बटन हम लगा लेंगे। इधर भी ऐसे ही लगाने हैं और इधर भी ऐसे ही लगाने हैं। ये बन के तैयार हो गया। आप जरूर बनाना। जो नए बेबी आने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है। ये बहुत गर्म और बहुत हैवी गर्म रहेगा, इसलिए ये बनाइयो और हमें कमेंट बताइयो अपने। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।